वेलकम फ्रेंड्स टूडे वी विल डिस्कस तमिलनाडु स्टैंड अगेंस्ट नीट लेट स्टार्ट ना आज की वीडियो हम देखेंगे कि नीट है क्या नीट क्यों इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में क्या जजमेंट है नीट के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है नीट के अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट है एंड ऑब्वियसली तमिलनाडु नीट के अगेंस्ट क्यों है देन ऑब्वियसली एज यूजल वी विल डिस्कस मेन्स क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या सर नीट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट एलिजिबिलिटीएस एडमिशन मतलब के लिए या मेडिकल के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है ट्वेल्थ के बाद तो आपको नीट एग्जाम देना होता है देन कम्स क्वेश्चन कंडक्ट कौन करता है नीट एग्जाम कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कितनी जगह के लिए होता है नीट एग्जाम हर साल होता है हर साल अराउंड एक लाख से भी ज्यादा सीट्स होती है एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेजेस में अक्रॉस में इंडिया कब कंडक्ट किया जाता है नॉर्मली ये मई महीने में, में कंडक्ट किया जाता है आगे चलते हैं देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर नीट आया क्यों और नीट के पहले कैसे एडमिशन होते थे लिसन केयरफुली एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट विथ फॉल्स अंडर लिस्ट और लिस्ट में दोनों कानून कर सकते हैं स्टेट एज वेल एज

जरूरी है और आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लियरली कहता है कि इट्स अ स्टेट्स ड्यूटी टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ प्लीज लिसन पब्लिक हेल्थ सो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन किसके लिए हो रहा है डॉक्टर्स के लिए सो इट्स रिलेटेड टू हेल्थ नाउ लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ द नीट कि नीड नेसेसरी क्यों है अर्लियर क्या होता था बच्चे मल्टीपल एग्जाम देते थे जैसे मैंने कहा कि मुझे एडमिशन तो लेना है एमबीबीएस के लिए लेकिन कॉलेजेस है मेरे एरिया में पचास तो पचास एग्जामिनेशन दो क्या पचास फॉर्म लेखने को जाने का प्रोस्पेक्ट लेना सो तो उसके खर्चे अलग नॉट ओनली दिस बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम ओवरलैपिंग डेट होता था मतलब ये कॉलेज का भी एक ही डेट दूसरे कॉलेज का भी सेम डेट एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैल प्रैक्टिस बहुत होती थी कहा जाता था कैपिटेशन फी डोनेशन ये बहुत चार्ज किया जाता था सो so ऑब्वियसली इससे तो पुअर स्टूडेंट्स कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे एंड इससे मेरिट को हर्ट हो जाता था नॉट ओनली दिस जो स्टेट बोर्ड थे उनका स्टैंडर्ड जो था वो थोड़ा सा कम था एंड डोंट यू थिंक मेडिकल प्रोफेशन इज समथिंग विच डील्स विद द ह्यूमन लाइफ सो अगर ह्यूमन लाइफ से डील करता है तो वहां पे सिलेक्शन जो होना चाहिए वो मेरिट बेसिस पे होना चाहिए एंड नीट के वजह से क्या होगा कि इवन स्टेट गवर्नमेंट के जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इंप्रूव हो सकती है सो so, देखा जाए तो नीट के बेनिफिट्स तो काफी है काफी बेनिफिट्स है नेक्स्ट क्या नीट सिर्फ नॉर्मल कॉलेजेस को एप्लीकेबल है या माइनॉरिटी कॉलेजेस को भी है लिसन केयरफुली माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है अंडर आर्टिकल थर्टी आर्टिकल थर्टी में क्लियरली कहा है

ये हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकते बट सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में क्लियरली कर दिया कि नीट इज नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट एंड इट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कैसे माइनॉरिटीज को राइट टू एडमिनिस्टर है बट दैट डज नॉट गिव यू राइट टू मैल और अगर एक अच्छा सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट करती तो उसमें कुछ गलत नहीं है ट का रूल्स माइनॉरिटीट्यूशन के लिए भी लागू है क्या यस आंसर इज यस कब आया जजमेंट इंड टी में देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर नीट अगर अच्छा है इतना फिर इश्यू क्या है तमिलनाडु से इश्यू आता है तमिलनाड स्टैंड ऑलवेज अगेंस्ट नीट ऐसा क्या कारण है कि तमिलनाडु कुछ तो कारण डेफिनेटली होगा So, तमिलनाडु सरकार ने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस ए के राजन के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की गई थी और कमिटी के डिटेल्स अभी हम देखेंगे अगर आप ठीक तरह से देखते हैं कमिटी के डिटेल लिसन तो ने क्लियरली कहा है कि नीट के वजह से लिसन केयरफुली नीट के वजह से हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर में फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर्स ना मिले अगर नीट कंटिन्यू किया जाए सुनने में थोड़ा अजीब लगता है we will discuss in detail don't worry not only this need ke need drives away the poor matlab garib ise afford nahi kar sakte so obviously garib nahi kar sakte to kise fayda hota hai need ka need ka fayda mostly rich or affluent sections ko hi hota hai and not only this अगर आप local students को MBBS से बाहर हटा देंगे और urban area के students से अगर doctor बनेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर इन रिमोट एरिया बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कमेटी ने रखा हुआ है क्या अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स रूरल एरिया में गांव में जाके काम करने के लिए तैयार होंगे ये क्वेश्चन और भी चीज है क्या डिस्पाइट रिजर्वेशन आप कहोगे कि सर जो रूरल एरिया से है गरीब है उनके लिए रिजर्वेशन है बट उसके बावजूद भी वो प्राइवेट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते जैसे कि एफ्लुएंस स्टूडेंट ये भी कमिटी ने कहा है नॉट ओनली दिस यू कि सर आप कहते हैं कि नीट जो है वो मोस्टली सीबीएसई पैटर्न पे है जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को ठीक नहीं हो लगता और सीबीएसई में जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं वही नीट में सिलेक्शन होते हैं देन यू मे से सर स्टेट बोर्ड के लिए तो भी तो बच्चे क्लासेस जाते हैं यस एग्री बट कितने अच्छे क्लासेस मैं रिपीट कर रहा हूं कितने अच्छे क्लासेस और अच्छे टीचर्स रूरल एरिया में जाके पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं सो so, कितने कोचिंग सेंटर्स जो रूरल एरिया में है ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ना यू से कि सर ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है बट लेसन ऑनलाइन एजुकेशन मेरे पास है बट सिर्फ मेरे पास होकर okay, फायदा नहीं जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है इट शुड बी देयर विद द स्टूडेंट ऑल्सो एंड दैट शुड बी इन अ अंटिन्यूस मैनर So, ये एक बात सही है कि अच्छे टीचर अच्छे कोचिंग क्लासेस रूरल एरियाज में हैं हमें आंसर इसका ढूंढना पड़ेगा इतना ही नहीं आप कहते हैं कि नीट से इक्वालिटी आती है बट कमिटी का कहना है कि नहीं नीट इलिमिनेट पुअर हमें इक्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए या आउटकम पे ध्यान देना चाहिए एंड क्या नीट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है क्या ये भी इंपॉर्टेंट है देखना यह भी कहा कि बिफोर नीट बिकमेंटरीज एडमिशन मतलब नीट से पहले बहुत सारे गरीब या रूरल स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस लेते थे जो आज नहीं हो रहा है दैट इट सिल्स जो कंसर्न रेस् वो भी ठीक लग रहे हैं नॉट ओनली दिस आज कल कमिटी ने कहा है कि गरीब स्टूडेंट्स नीट को अप्लाई नहीं कर रहे उनका एक कारण है कि नीट इज बेस ऑन सी तो उन्हें डर लगता है कि वो पॉसिबल है कि सिलेक्शन ही ना हो उनका ये भी ठीक है अब आते हैं कुछ थोड़े से दूसरे पहलु पे एक बात याद रखो तमिलनाडु इज वेरी वेल नोन फॉर इोबोट हेल्थ केयर सिस्टम तमिलनाडु का प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम उसका मेडिकल टूरिज्म काफी अच्छा है उसके बारे में तो वर्ल्ड लेवल पे भी उसका अच्छा नाम है स्किल डॉक्टर्स भी काफी है एंड इट इज इंटरनेशनली रिनोम नाउ कम्स द क्वेश्चन ये सारी चीजें तमिलनाडु ने तब अचीव की है जब नीट नहीं था आई होप इट इज क्लियर सो ये इनका कहना है कि जो अच्छी चीजें हमने अचीव की है दैट वॉज विदाउट नीट मतलब तमिलनाडु सरकार ने इन ऑफ विच एवर पोलिटिकल पार्टी इट इज उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर और सिस्टम काफी अच्छी की है मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के काफी अच्छे हैं एंड काफी अच्छी फैसिलिटीज दी हुए हैं so, सो उनका मानना है विदाउट नीड भी हमने ये अचीव किया है तो इसकी जरूरत नहीं है एंड उन्हें लगता है शायद इससे स्टैंडर्ड डिक्लाइन हो सकते हैं नॉट ओनली नीट एक इस नीट के बारे में उनका और एक कहना है क्या कि उनका कहना है नीट को नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई कैप ही नहीं है मतलब आप कितने बार नीट एग्जाम देना है उसके ऊपर कोई कैप नहीं है फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले एंट्रेंस एग्जाम आउट ऑफ एग्जामी मुझे मिलते हैं मार्क्स देन मुझे लगता है कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा सो so मैं फिर से नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करता हूँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन फिर मुझे मिलेगा सिक्स हंड्रेड में फिर से ज्वाइन करता हूँ कोई और इंस्टीट्यूशन फिर मुझे मिलता है सिक्स फिफ्टी फिर मुझे मिलता है

और ये पैरामीटर्स है कि पहले रूरल एरिया के कितने थे 61.45 और वो डिक्लाइन होके कितने हो गए 50 परसेंट के आसपास मतलब रूरल कैंडिडेट्स क्या हो गए डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए गवर्नमेंट के कैंडिडेट 1.12 परसेंट है वो आधे पे आ गए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट बढ़ गए सीबीएसई देने वाले ज्यादा हो गए और जो गरीब बच्चे थे इकोनॉमिकली पुअर थे उनका नंबर भी 47 से घटके हो गया 41 नॉट ओनली थे उनका नंबर भी नीचे ही दिखाया गया मतलब tables तो आंकड़े तो दिखा रहे फैक्ट्स देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर यह तस्वीर क्या दिखा रही है इस साल का नीट टॉपर जो है वो तमिलनाडु से और तमिलनाडु से काफी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं तो उन्हीं का अवार्ड फंक्शन के वक्त एक पेरेंट्स के एक लड़की के पेरेंट्स ने राज्यपाल महोदय साहब को कहा कि सर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ का मेडिकल सिस्टम काफी अच्छा है बट हमने ये चीज अचीव की है विदाउट नीट नीट के सिवा हमने अचीव की है सो so, नीट की जरूरत नहीं है तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एंटी नीट बिल पास किया एंटी नीट बिल कहा जाता है एक्चुअली इट इज नीट एग्जेम्शन बिल सो गवर्नर इसे रोक सकते हैं क्या चलो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है जब भी कोई विधानसभा कोई बिल पास करता है लिसन वो जाता है गवर्नर के पास सो so, गवर्नर क्या कर सकते हैं गवर्नर एक तो साइन कर सकते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू एक्ट या फिर उसे वापस भेज सकते हैं अगर मनी बिल नहीं कितने बार एक बार सेकेंड टाइम भेजा तो उन्हें साइन करना होता है बट गवर्नर साहब के पास और एक पावर भी है क्या अगर वो चाहे तो कोई भी बिल प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए रख सकते हैं किसके कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं साइन कर सकते हैं वापस भेज सकते हैं बट सेकेंड टाइम भी साइन देना उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता सो so, क्या गवर्नर ये कर सकते है यस yes, गवर्नर को ये डिस्क्रिप्शनरी पावर है एंड आर्टिकल टू हंड्रेड गवर्नर है बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ के लिए वो कोई भी बिल रख सकते हैं क्या कंक्लूजन होना चाहिए सर और नीट के खिलाफ अब तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है जस्ट नाउ मैंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया कि सुप्रीम कोर्ट जाना है किस लिए अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्यों क्योंकि तमिलनाडु सरकार का कहना है वी हैव फेडरलिज्म ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म नीट के वजह से क्या वॉयरलिज्म का प्रिंसिपल हो रहा है, नीट वॉयलेट द राइट टू तो इक्वेलिटी विच इज डिस्कस अंडर आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फोर्टीन में राइट टू तो इक्वेलिटी कहा है बट नीट के वजह से रूरल एरिया स्टूडेंट एज वेल एज स्टेट बोर्ड और गरीब बच्चे जो कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते

जेई के लिए भी तो एक ही एग्जाम होता है सो so, नीट का होना जरूरी है क्या यस yes. क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स किया है क्या प्लीज लिसन सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें ज्यादा रोल नहीं है क्यों मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया था बच्चों ने पिटिशन फाइल किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होना जरूरी है और वो बच्चों के हित में है तो ये बात तो ठीक है मतलब नीट होना चाहिए क्या यस yes. बट फिर तमिलनाडु ने जो कंसर्न रेस की है क्या वो भी सही है क्या दिखते तो है डेटा तो हमें दिख रहा है फिर सब फाइनल क्या होना चाहिए? जब भी हम बात करते हैं हमें किसकी बात करनी चाहिए इक्वालिटी की या इक्विटी आप कहोगे तो कि सर सबको इक्वालिटी है सबको मैंने रेस में भागने को दिया अरे बट जो रेस में भाग रहे क्या सभी एट पार है क्या हमने कोई मैच दिखाने के लिए कहा एक चार फीट का एक पांच फीट का और एक फीट का बट वॉल है पांच फीट का सो so, जो छोटा बच्चा है जो छोटा बच्चा है तो ये वहां का चीजें नहीं देख सकता इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है बट इक्विटी के साथ वो होना जरूरी है आई होप इट इज क्लियर मतलब क्या हमें उनके भी कंसर्न याद रखने चाहिए जो गरीब है जो एफोर्ड नहीं कर सकते बट दूसरी चीज स्टेट को क्या करना चाहिए स्टेट को अपने सिलेबस इंप्रूव करना चाहिए ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तो होने ही वाला है वो बच्चों के हित के लिए कैसे फॉर एग्जाम्पल कोई महाराष्ट्र का बच्चा है उसे गुजरात के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है कर्नाटका के एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली वो नीट को ही जाएगा So it is for the also. So को क्या वो कर सकते yes, है सब कुछ अच्छा कर सकता है तो अब क्यों नहीं जितना मुझे पता है तमिलनाडु ने सिलेबस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी इनिशियट कर चुके हैं हाँ ये बात में मानता हूं कि मैथ्स और साइंस के लिए लागू हो सकता है बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपके स्टेट लेवल से आप कंडक्ट कर सकते हैं बट एक चीज जो सेंटर को भी देखनी चाहिए दैट दैट इज इज जो एग्जाम कंडक्ट करता है क्या आपको ये एग्जामिनेशन सिर्फ सी के आधार पर कंडक्ट करना चाहिए या इसको और थोड़ा व्यापक बनाना चाहिए ये भी आपको सोचना चाहिए एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो गोल्स हैं वो हमें अचीव करने चाहिए क्या इक्विटी, इंक्लूसिवनेस हमें ये गोल अचीव करने चाहिए जो कि काफी अच्छे गोल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहे गए इन ब्रीफ मुझे अगर कंक्लूजन करना है तो क्या करना है मुझे इक्वालिटी अच्छी है नीट होना चाहिए बट इक्विटी के साथ होना चाहिए एग्जामिनेशन शुड नॉट बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सी बी एस ई बट व्यापक थोड़ा करो उसे स्टेट बोर्ड को क्या करना चाहिए उन्हें अपने सिलेबस इंप्रूव करने चाहिए तो यहां पे स्टेट बोर्ड क्या कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि आप सेंटर को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट को क्या कि हमें नीट के लेवल के आने के लिए शायद दो साल लगते हैं या तीन साल लगते हैं व्हाट एवर दीरियड इट जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमें थोड़ा पीरियड दे दो उस लेवल तक हम अपना सिलेबस ऊपर ले क्योंकि अचानक एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस करने से शायद हमारे बच्चों का नुकसान हो सकता है ऐसे प्रेयर ऐसे रिक्वेस्ट विनती आप न्याय न्याय व्यवस्था को कर सकते हैं नेक्स्ट गोल्स ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी शुड बी अचीव ये होना चाहिए कंक्लूजन अब आते हैं लास्ट पार्ट दैट इज मेंस के लिए क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं लिसन मेंस और इंटरव्यू में अगर आपको मेंस में आंसर लिखना और इंटरव्यू में answers देना है आपको ओरली तो आपको डेटा भी होना चाहिए सो so, ये तीनों क्वेश्चन ठीक तरह से देखो पहला क्रिटिकली एनालाइज द नीट एग्जामिनेशन डेटा फॉर दिस ईयर क्या दिखा रहा है वो शायद आपको कुछ और चीजें मिले क्योंकि आप जब सामने आंसर करोगे तो आपको विथ डेटा करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा दूसरा डज नीट रियली फुलफिल सबस्टांशियल इक्वालिटी सी इक्वालिटी तो है बट इक्वालिटी भी तो दो तरीके की होती है एक प्रोसीजरल और दूसरा सबस्टांशियल प्रोसीजर मतलब जो रूल किया है उसके हिसाब से प्रोसीजर के हिसाब से कुछ ठीक चल रहा है देन इट्स ओके सब्सटांशियल मतलब जिसमें हम आउटकम पे ध्यान देते हैं तो नीट आपको लगता है कि इक्वालिटी रियली फुलफिल कर रहा है आपको आंसर देना है और तीसरा क्या नीट रियली really अचीव कर रहा है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के गोल्स कौन से इक्विटी इंक्लूजन और एक्सेस जो कि काफी अच्छे गोल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहे इक्विटी इंक्लूजन और एक्सेस प्लीज ट्राई थ्री क्वेश्चन फॉर मेन्स अब आते हैं फाइनल पे दैट इज प्रिलिम क्वेश्चन फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू माइनॉरिटी राइट टू एस्टैब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी को ऐसे कौन से अधिकार दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में कि जिसके तहत वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस रन कर सकते हैं चार में से एक पर्याय आपको डिसाइड करना है अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच